अरे रेड लाइट खुल गई भाई, जा रहे हैं। ओके वरुण भाई अपना बैठे है, वीडियो बना लग रहा है। Guys, welcome to my channel. This is Dev Sharma. Again. अबे फिर से आ गया तू? कल तो आया था अबे। मैं तो रोज आऊंगा, ऐसे आऊंगा। चलिए, बकवास बहुत हो गई है। अब शुरू करता हूँ मैं। जैसे मैंने कल आप लोग कहा था, मैं अपने पेट के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। खुजा ले। हेलो दे मुझे, हेलो। अरे काटना नहीं है, हेलो दे, चाटना नहीं है। हेलो, गिव मी हेलो। हेलो, गुड। हाँ, तुझे मॉडल बना रहा हूँ वीडियो के लिए। सबको हेलो कर दे। कहाँ जा? तो हाँ, ये था मेरा पैट, जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये एक रॉटवाइलर है। रॉटवाइलर काटते नहीं, सिर्फ मिथ है। हाँ, तो ये फीमेल डॉग है, इसका नाम बेला है। आज इसको वैक्सीन के लिए ले जाऊँगा। सच्ची बताऊँ, आज नहीं, मैं कल ले गया था। मैं भी नेक्स्ट डे बना रहा हूँ। तो थोड़ा कल मैं थक गया था यार, बहुत ट्रैफिक था, कल थक गया था, इसलिए कल वीडियो नहीं बना पाया। आज बना रहा हूँ उसके लिए थोड़ा आगे वाला। तो हाँ, दिखा दें आगे। हेलो गाइस, दिस इज़ देव शर्मा। आई एम सेकंड लुक के साथ अभी सामने। आज मैं अपने पेट को ले जा रहा हूँ वेटनरी के पास। दिखाऊँ क्या है? बेला, ये देखो, इसे रॉटवाइलर फीमेल है, इसका नाम बेला है। इसको ले जाते हैं आज हम वेटनरी के पास। इसको वैक्सीन लगनी है। एक्चुअली वैक्सीन पहले लगनी थी, बीमार हो गई थी, अब वैक्सीन लगवानी है। आओ दिल्ली में कभी हमारी, आप भी आओ कभी हवेली पे, आप भी आओ कभी हवेली पे। अरे रेड लाइट खुल गई भाई, जा रहे हैं। ओके वरुण भाई अपना बैठा है, वीडियो बना लग रहा है। यार दिल्ली में बुरा हाल है ड्राइविंग में, अभी ड्राइविंग में फोकस करता हूँ, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। भाई अब निकले हैं जाम में से थोड़ा सा। गाड़ी चल रही है, पहले तो चल ही नहीं रही थी, थोड़ी सी अब चल रही है। लेकिन यहाँ गाड़ी बड़े ध्यान से चलानी पड़ती है, कैमरे लगे हुए हैं ओवर स्पीडिंग के, 50 से ऊपर गई सिर्फ चलान ठोकते हैं। मेरी 50 पे ही है, सिर्फ ऊपर नहीं चला रहा। इस रोड पर सारे कैमरे फिट है, जब भी आप लोग दिल्ली आओ देख के चलाना। तो मैंने इसको वैक्सीन लगवा दी है, और इसको भी नेक्स्ट मंथ फिर से वैक्सीन लगेगी। 9 मंथ लगेगी और रेपीज लगेगी। रेपीज एक साल में दो बार लगती है। जैसे अभी इसको 9 मंथ लगी थी और एंटी रेपीज लगी थी, और फिर से लगेगी नेक्स्ट मंथ सेम, और फिर एंटी रेपीज नेक्स्ट ईयर लगेगी सीधा फिर। तो ये इसका वैक्सीन कार्ड है, पहले दो लग चुकी हैं फर्स्ट, फिर अभी दो लगी हैं, दो तीन लगी हैं, और एंटी रेबीज की एक लगी है इसको।
ये, और अभी एंटीजीबी से एक और लगेगी उसको, डॉक्टर ने यहाँ रखा है कि कब कब लगेंगी। पपी डीपी तो पहले से लग के आती है जब हम पपी लेते हैं, लाइक स्टार्टिंग में मैंने ये 2 months ही लिया था, तो उससे पहले पपी डीपी लगा हुआ था इसको। तो उसके बाद 7 week पे इसको ये DHL 2 लगाई थी, और अब कोरोना वायरस की कोई ज़रूरत नहीं होती इन्हें, ऐसे लिखा हुआ है। फिर अभी ये लगी है, मतलब लगने वाली हूँ, बाकी पता नहीं है। और डिबॉर्मिंग भी करवाई थी इसके 1 week पहले, डिबॉर्मिंग करवानी ज़रूरी होती है पेट्स की, पेट के कीड़ों के मारने के लिए। अगर डिबॉर्मिंग नहीं कराएंगे और वैक्सीन लगा देंगे तो डिबॉर्मिंग नहीं कराएंगे अगर वैक्सीन लगा देंगे पहले, पेट जो हमारा डॉग होता है वो पेट के कीड़ों से लड़ रहा होगा और ऊपर से उसे वैक्सीन लगा दी तो बीमार पड़ सकता है, लाइक बहुत बीमार पड़ सकता है। इसलिए डिबॉर्मिंग पहले कराना ज़रूरी है। जब तक पपी 1 साल का यानी 12 months का नहीं हो जाता, उसे हर मंथ डिबॉर्मिंग करवानी होती है। 12 months के बाद उसे हर 3 months में डिबॉर्मिंग करवानी होती है। तो अगर आपके पास पेट है तो उसके भी डिबॉर्मिंग टाइम टाइम करवाइए और वैक्सीन लगवाइए उसे। एक मिथ और है मार्केट में, जैसे रॉटवीलर बहुत एग्रेसिव होता है, ओनर को काटते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शांत है हमारा, शांत से हमारे लिए तो शांत है, और उनके लिए पता नहीं, हमारे लिए तो शांत है बिल्कुल। अच्छा अच्छे से खेलती है, सब कुछ करती है, बिल्कुल एग्रेसिव नहीं है, बिल्कुल भी एग्रेसिव। वो तो ओनर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे कैसा बनाना है, उनको एग्रेसिव बनाना है, कैसा बनाना है, सब कुछ ओनर के ऊपर डिपेंड करता है। खा ले मेरे हाथ को, खा ले, छोड़ मत बिल्कुल, हड्डियाँ चबा जाओ मेरे हाथों के। बैट पे बैठिए मेरे, मुझे बैठने मत दे। हाँ कति बैठा, बैठ जा मेरे सिर पे, बैठ जा कति। खा ले मेरे हाथ ना कति, बुढ़का भर भर के इतना आती है, चबा दे मेरे हाथ पे। तो भैया ऐसे ही रोज़ मेरे बैट पर चढ़ जाती है, सुबह 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 5 बजे मुझे उठा देती है, मुझे बाहर लेके चल, सो नहीं देते बिल्कुल, अलार्म नहीं सुनता। काट ले बिल्कुल मेरे हाथ को। सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अपने घर पे होता है आदमी, भाई शर्म आती है। ऐसा कैमरा लेके चल रहे हैं, सीधा ऐसे डोल रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, शर्म आती है। अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, आदमी कैमरा ले रहे हैं, लोग देखते चलते हैं ऐसे, तो हम वैसे तो धीरे धीरे होता है इस चीज़ पर। सबसे कंफर्टेबल घर ही होता है, सब ठीक है। घर पर अपने आराम से तेज़ आवाज़ में बोल सकता हूँ मैं, कितना तेज़ बुला लो मुझसे, इतना तेज़ बोलूँगा। पर बाहर तो इतनी स्लो आवाज़ आती है, ऐसे बिल्कुल आराम से बोलना पड़ता है बाहर। घर पे तो यार कितना आराम तेज़ बोलूँ। तो भाई यही थी आज की वीडियो पेट के ऊपर, बेला के ऊपर, और आगे लाएंगे वीडियो नेक्स्ट वीडियो भी जल्द आएगी। धीरे धीरे बेटरमेंट ला रहा हूँ, अपने सुधार ला रहा हूँ आपको के लिए, और अच्छे वीडियोज़ बनाऊँगा, और अच्छे ब्लॉग्स बनाऊँगा, और अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँगा। तक के लिए शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए। तो हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट कर देना। बस थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। हाँ, तब तक के लिए बाय बाय। शांति आप लोगों के बीच निकल गया।